हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे रॉयल फैशन टिप्स चैनल पे ब्राइडल सीरीज चालू है, हैशटैग रॉयल शादी। और उस ब्राइडल सीरीज का आज तीसरा वीडियो है, और आज की वीडियो का टॉपिक है ब्राइडल स्किन केयर किट एंड टॉयलेटरी किट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है वो ब्राइडल स्किन केयर किट जो मैंने अपने लिए तैयार किया था, और अब मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले ब्राइडल स्किन केयर किट ज़रूरी क्यों है ये देखते हैं। रीज़न नंबर वन, शादी के टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इतनी सारी तैयारी करनी होती है, और ऊपर से हमारी नींद भी पूरी नहीं होती है, और सारा स्ट्रेस हमारे चेहरे पे दिखता है। हमारे कभी कभी अंडर आइज़ भी डार्क हो जाते हैं, इसीलिए हमें तब स्किन की केयर करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न नंबर टू, शादी के दिन दुल्हन की सुंदरता बढ़ाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेकअप लगाया जाता है, और वो मेकअप तभी अच्छा लगता है जब हमारी ओरिजिनल स्किन अच्छी और हेल्दी हो और एक्ने फ्री हो। तो इसीलिए हमें स्किन केयर किट बहुत ज़रूरी है। रीज़न नंबर थ्री, शादी के बाद बहुत सारे फंक्शन होते हैं, और इसीलिए हम हमेशा तैयार रहते हैं और मेकअप लगाते हैं, और हमारे स्किन को इतने मेकअप की आदत नहीं होती है, इसीलिए स्किन डैमेज हो सकती है। उस डैमेज से बचने के लिए हमें स्किन की केयर करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमारे पास एक अपना खुद का स्किन केयर किट होना बहुत ज़रूरी है। इस ब्राइडल स्किन केयर किट को मैंने तीन पाउचेस में डिवाइड किया है। ये सबसे बड़ा वाला किट है, ये मीडियम साइज़ वाला है, और ये सबसे छोटा वाला है। तो अब वन बाय वन देखते हैं किसमें क्या है। इस बड़े वाले किट को देखने से पहले हम मीडियम साइज़ वाला किट देखते हैं, जो कि एक टॉयलेटरी किट। ये है वो टॉयलेटरी किट, आपको पता है इसमें क्या क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। ऑफकोर्स टॉयलेटरी किट है तो ब्रश, पेस्ट। तो आपके पास खुद का ब्रश तो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ आप आपका छोटा वाला पेस्ट भी लेके जाइए, और ट्राई करिए कि इस तरह से मिनी पाउचेस जो पेस्ट के मिलते हैं वो लेके जाए। और मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, जो भी आप प्रोडक्ट लेके जाने वाली है वो हमेशा मिनी पाउचेस या फिर उसका जो भी मिनी साइज़ वाला प्रोडक्ट आता है वो लेके जाए। इसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा जगह सेव होगी, और आप उसकी जगह कुछ और प्रोडक्ट रख सकते हैं, इसीलिए छोटे वाले पाउचेस से लेके जाए। इसके बाद मैंने इसमें सोप नहीं रखा है, तो आप आपके हिसाब से जो भी आप सोप यूज़ करते हैं वो सोप लेके जा सकते हैं। अगर आप बॉडी शावर यूज़ करते हैं तो वो लेके जाए, लेकिन याद से अपना खुद का बॉडी सोप या फिर बॉडी शावर ज़रूर लेके जाए। इसके बाद है फेस क्लीन करने के लिए फेस वॉश। यहाँ पे मामा अर्थ का अपटन फेस वॉश है, इसमें थोड़ा स्क्रब मिला होता है, तो आप ट्राई करिए कि एक नॉर्मल फेस वॉश लेके जाए और एक थोड़ा स्क्रब वाला लेके जाए। आपके हिसाब से आप जो भी यूज़ करते हैं वो लेके जाए। आप इस तरह से ब्रश भी लेके जा सकते हैं, पेडिक्योर और मैनिक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, और इससे पूरी हमारे पैरों की डेड स्किन निकल जाती है। तो नेक्स्ट है शैम्पू। आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं वो लेके जाए, लेकिन ट्राई करें कि बड़ी बॉटल मत लेके जाइए, ऐसे छोटे वाले पाउचेस अगर उसके मिलते हैं तो वो लेके जाइए, बॉटल बहुत ज़्यादा जगह लेती है, तो इसीलिए पाउचेस लेके जाए। इसके बाद अगर आप बालों को ऑयल लगाते हैं तो वो ऑयल की एक छोटी सी बॉटल भी लेके जाए साथ में। आप सोच रहे होंगे ये सब बेसिक चीज़ें तो हमें वहाँ भी मिल जाएंगी, तो इसे लेके जाने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी बात नहीं है, ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि नई दुल्हन को कभी कभी शर्म आती है, और वो हमें पता भी नहीं होता है कि चीज़ें कहाँ कौन सी रखी है। इसीलिए हम खुद का अगर टॉयलेटरी किट लेके जाएंगे तो हमें कुछ दिनों के लिए कुछ भी परेशानी नहीं होगी, और धीरे धीरे आदत होने के बाद हम सब वहाँ पे यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप खुद का अपना किट लेके जाए। ऑफकोर्स कोम, इसमें एक कोम है, और एक बड़े वाले किट में भी अलग अलग दो तीन तरह के कोम है, तो इसमें एक बेसिक कोम रखा है। नेक्स्ट, अगर आप कोई टालकम पाउडर यूज़ करते हैं रेगुलर, तो वो आप लेके जा सकते हैं। डेली हम मेकअप नहीं करते, फाउंडेशन भी नहीं लगाते, लेकिन आप अगर कोई क्रीम यूज़ करते हैं आप इस क्रीम को भी इस टॉयलेटरी किट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये दो तीन क्लचर। ऑफकोर्स बड़ा वाला क्लचर तो याद से इसमें रखिए, क्योंकि बाल बांधने के लिए तो क्लचर बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये दो ऐसे छोटे कभी कभी बाल पीछे बांधने के लिए काम आ जाएंगे, तो ये दो छोटे क्लचर। इसके बाद है लिप बाम। हमेशा लिपस्टिक तो नहीं लगा सकते, कभी कभी ऐसे कलर वाला लिप बाम भी लगा सकते हैं, तो ये है मेबलिन का बेबी लिप्स वाला लिप बाम, बहुत अच्छा है, आप इसे भी यहाँ इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट ये कुछ रबर बैंड्स हैं, ये भी काम आ जाते हैं। और
आप इसमें छोटा वाला मिरर भी ऐड कर सकते हैं, ये भी बहुत काम आता है। कभी कभी जल्दी जल्दी में हम इसमें देख कर भी तैयार हो सकते हैं। नेक्स्ट है ये, आजकल तो ये हर जगह चाहिए, इसलिए हमें इसे किट में रखना पड़ता है, पर्स में रखना पड़ता है, साथ में लेके जाना पड़ता है, ऑफ कोर्स इसे कहीं भी लेके जाए। ये है सैनिटाइज़र, तो आप एक छोटा वाला सैनिटाइज़र इसमें रख सकते हैं, अगर कभी भूल गए तो इससे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉयलेट्री किट, अब हम बड़े वाले स्किन केयर किट में क्या क्या है वो देखते हैं। ये है बड़ा वाला स्किन केयर किट, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने रखे हैं और हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ब्राइड्स तो हर एक चीज़ से रिलेट कर पाएंगी, सब उनको लेके जाना है। इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि डे स्किन केयर में क्या क्या है। हमने फेस वॉश तो टॉयलेट्री किट में रख दिया, अब इसमें क्या है वो देखते हैं। तो फेस को क्लीन करने के लिए आप इस तरह से वेट वाइप्स भी रख सकते हैं, ये कभी भी इमरजेंसी के लिए आपको काम आ सकती है। इसके बाद है ये क्लिंजिंग मिल्क। क्लिंजिंग मिल्क तो आपको पता है स्किन को बहुत ज़्यादा डीप क्लीन करता है, तो एक क्लिंजिंग मिल्क की बॉटल आप अपने पास रखिए। क्लिंजिंग के बाद चेहरे को स्क्रब करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोई भी आपके पास जो भी स्क्रब है आप उसे लेके जाए। ये मेरा पपाया स्क्रब है जो मैंने इसकी बड़ी वाली बोतल है उससे इसमें निकाल के रखा है, तो आप भी इस तरह से छोटी बोतल में स्क्रब लेके जा सकते हैं। इसके बाद क्लिंजिंग हो गया, स्क्रब हो गया, अब हमें उस पर पैक लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए आप कोई भी एक अच्छा वाला फेस पैक लेके जाए। इससे हमारा जो टैन होता है वो रिमूव होता है और हमारे स्किन के पोर्स भी मिनिमाइज होते हैं, तो इसीलिए जो भी आपको अच्छा लगता है वो फेस पैक लेके जाइए। यहाँ पे मैंने पतंजलि का फेस पैक लिया है, बहुत अच्छा है, एलोवेरा और मुल्तानी मिट्टी का। फेस पैक ड्राई होगा तो उसमें मिलाने के लिए रोज़ वाटर ज़रूर लेके जाए। तो ये इस तरह से स्प्रे वाली बॉटल है, आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप स्प्रे वाली एक रोज़ वाटर की बोतल भी लेके जाए। अगर आपको कभी चेहरा आपका स्ट्रेसफुल लग रहा है तो आप इस तरह से स्प्रे करके भी आप फ्रेश फील कर सकते हैं। हमेशा हमारी स्किन को क्लीन करने के बाद टोनर और मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है टोनर, तो यहाँ पे मैंने हिमालय का टोनर लिया है, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो टोनर लेके जा सकते हैं। और उसके बाद ये है मॉइस्चराइजर, लैक्मे का पीच मिल्क क्रीम है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, और साथ ही साथ मेरी ऑयली स्किन है इसीलिए मैंने और एक ऑप्शन रखा है, और वो है ये मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। ये भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं, ये सैम्पल पीस है। आप इस तरह से एक कॉम्बो फेशियल पैक भी लेके जा सकते हैं, अगर आपको इंस्टेंट फेशियल करना है या फिर क्लीन अप करना है तो आप झट से इसे कर सकते हैं। इस पे सब डायरेक्शन लिखे होते हैं, तो आप इस तरह से एक कॉम्बो भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट, आपको टैन से बचाने के लिए आपके स्किन केयर किट में सनस्क्रीन होना बहुत ज़रूरी है, और आपको सनस्क्रीन को डेली यूज़ करना है। अगर समर वाली शादी है तो आप पहले से यूज़ करिए, क्योंकि आप टैन नहीं होंगे इससे, और शादी के बाद भी आपकी स्किन का कलर वैसा ही रहेगा जैसे पहले था, इसीलिए सनस्क्रीन डेली यूज़ करिए। यहाँ पे मैंने लैक्मे का सनस्क्रीन लिया है जो SPF 50 है, तो ट्राई करिए कि आप भी SPF 40+ ही ले, ज़्यादा से ज़्यादा SPF वाला ही सनस्क्रीन ले, तभी वो अच्छा रिजल्ट देता है। तो आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप सनस्क्रीन लेके जाए। तो ये सब हो गया डे स्किन केयर, अब हमें रात को भी स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए देखते क्या क्या है। जैसा कि मैंने कहा, शादी के बाद बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमारे स्किन पे भी स्ट्रेस दिखाई देता है, इसीलिए हमें इंस्टेंट फ्रेश दिखना है, तो आप इस तरह से शीट मास्क होते हैं वो भी लेके जा सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स के मास्क लिए हैं, ये भी बहुत अच्छे होते हैं, इसे आपको लगा के रखना होता है 5-10 मिनट में, ये पूरा आपको स्किन को फ्रेश बनाते हैं, ग्लोइंग बनाते हैं, पूरा मॉइस्चर आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि ये ग्रीन टी वाला है, ये है लोटस ऑयल कंट्रोल। आपके स्किन को जो भी प्रॉब्लम है, आपको ब्राइटनिंग चाहिए या फिर ऑयल कंट्रोल चाहिए, एक्ने के लिए चाहिए, जो भी स्पेसिफिक आपको जो चाहिए वो आप लेके जा सकते हैं।
नेक्स्ट आपको डेली एक चीज़ करनी है, अगर आप होने वाली दुल्हन हैं तो आपकी स्किन को हमेशा ही ग्लोइंग रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप इस तरह से कोई भी एक अच्छा वाला सीरम आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, ये गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। मैं आपको खास रिकमेंड करती हूँ कि आप इसे यूज़ करिए। अब इसको रात को 2-3 ड्रॉप चेहरे पे डाल के आपको हल्के हाथों से मसाज करना है और वैसे ही छोड़ देना है, और सुबह आप देखना इसका रिजल्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो है इसका, और हमें इससे स्किन में जो ड्राइनेस है वो भी निकल जाती है। तो इसे आप डेली यूज़ करिए, ये ब्राइड के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाइट केयर में हमने स्किन को कैसे पैम्पर करना है वो देख लिया, अब हमें आंखों के लिए भी सोचना पड़ेगा। अगर हमें स्ट्रेस की वजह से डार्क सर्कल हो गए तो इसीलिए एक प्रोडक्ट आप उसके लिए भी रखिए। यहाँ पे मैंने ये मामा अर्थ का अंडर आई क्रीम रखा है। अगर आपके आंखों पे थोड़ा सा पफिनेस आ गया तो आप इसे ऐसे लगा के छोड़ दे रात को, और सुबह तक आपका जो भी पफिनेस है वो कम हो जाएगा, और आपके अंडर आई भी अगर डार्क है तो उससे भी इससे कम हो जाएंगे। तो आप ऐसा कोई भी प्रोडक्ट एक रखिए जिससे आपके आंखों पे स्ट्रेस नहीं दिखेगा। नेक्स्ट नाइट केयर में आपको अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद लिप बाम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दिन भर लिपस्टिक लगा के हमेशा रखेंगे तो हमारे लिप्स ब्लैक हो सकते हैं, इसीलिए लिप्स को एक्सफोलिएट करें। इस तरह से आप कोई भी एक अच्छा वाला लिप स्क्रब रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का लेमन वाला स्क्रब लिया है, लेमन एंड शुगर, तो ये भी बहुत अच्छा है, एनुलर टेक्सचर है इसका। तो इसको ऐसे लगा के रब करके छोड़ दे और उसको पानी से वॉश कर ले, और उसके बाद कोई भी अच्छा वाला लिप बाम जो कलर वाला नहीं है, प्लेन लिप बाम लगा के छोड़ दे, और सुबह तक देखना आपके लिप पिंक और सॉफ्ट दिखेंगे। यहाँ पे मैंने कोकोनट लिप बाम लिया है जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। तो आप इस तरह से कोई भी जो भी जिसमें ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं किया है वो आप रात को लगाने के लिए ले सकते हैं। अब हम इतना मेकअप करने वाले हैं तो हमें उस मेकअप को रिमूव भी करना बहुत ज़रूरी है। स्किन केयर में मेकअप को रिमूव करना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। तो इसीलिए तो आपके पास कोई भी एक अच्छी कंपनी का मेकअप रिमूवर रखिए। तो यहाँ पे मैंने ये गार्नियर का मेकअप रिमूवर लिया है, ये मल्टी यूज़ क्लिनजिंग वाटर है। तो आप इसे आई मेकअप रिमूव कर सकते हैं, बेस मेकअप रिमूव कर सकते हैं, और लिपस्टिक भी रिमूव कर सकते हैं। तो आप कोई भी ऐसा एक मेकअप रिमूवर आपके पास ज़रूर ज़रूर रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। मेकअप रिमूवर लिया है तो आपको कॉटन पैड्स भी लेना बहुत ज़रूरी है, या फिर कॉटन बॉल्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरह से कॉटन पैड्स लेके जा सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है मेकअप निकालने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और कॉटन बॉल्स तो मल्टी यूज़, आपको पता है कॉटन बॉल्स तो बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है, तो ये भी आप एक तरह से एक पैकेट साथ में रख सकते हैं। ये आपको मेकअप रिमूव करने के लिए काम आ जाएगा, नेल पेंट रिमूव करने के लिए आ जाएगा, कभी कभी आपके आँखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप इस पे गुलाब जल छिड़क के ऐसे आँखों पे रखे, थोड़ा सा आराम करेंगे तो आपकी फिर से स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये आप एक पैकेट अपने पास रखिए। हमने डे स्किन केयर देख लिया, नाइट स्किन केयर देख लिया, अब हम आते हैं हमारे हाथों पे। तो हमारे हाथों को भी अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आप एक अच्छा सा हैंड क्रीम भी लेकर जाएं। तो यहाँ पे मैंने ये गुड वाइब्स का चेरी ब्लॉसम वाला हैंड क्रीम लिया है। तो आपको जो भी अच्छा लगता है वो एक हैंड क्रीम ज़रूर लेके जाए, इससे आपके हाथ जो है वो सॉफ्ट रहेंगे। नेक्स्ट ये है बॉडी लोशन। आपको कोई भी एक अच्छी कंपनी का बॉडी लोशन लेके जाना है, क्योंकि अभी कभी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई तो आपके पास कंपलसरी एक बॉडी लोशन होना ही चाहिए। तो एक कोई भी अच्छा वाला बॉडी लोशन ज़रूर लेके जाए। हाथों के बाद अब आते हैं हम हमारे बालों पे। तो हमारे स्किन के साथ साथ हमें बालों की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हमारे पास हेयर केयर किट भी होना चाहिए। तो इसमें मैंने इसको ऐड कर दिया है। आपको हमेशा हेयर वॉश करने के बाद उसको सीरम लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे जो बाल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। देखिए जैसे कि मेरे अभी फ्रिजी है, तो आप इस तरह से कोई भी एक अच्छा वाला सीरम आपके पास रखिए। स्ट्रिक्स का हेयर सीरम लिया है, और देखिए आप ये कितना छोटा बॉटल है, तो इसमें बहुत सारे छोटे बॉटल मिल जाते हैं, तो आप ऐसा वाला छोटा बॉटल एक लेके जा सकते हैं।
शादी के दिन या फिर शादी के बाद हम हमारे बालों पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हीटिंग मशीन यूज़ करते हैं, कभी कभी हेयर स्टाइल की वजह से हेयर स्प्रे लगाते हैं, तो बाल हमारे डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए हमें उसकी शाइन फिर से लाने के लिए एक हमारे पास एक हेयर मास्क होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोई भी एक अच्छे कंपनी का हेयर मास्क रखिए। अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप हेयर फॉल वाला एक हेयर मास्क अपने पास रखिए, इससे आपके हेयर को फिर से शाइन भी मिल जाएगी और हेयर फॉल भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये है मेरा मामाअर्थ का ऑनियन हेयर मास्क, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और इससे मेरे बालों का सच में हेयर फॉल भी कम हो गया है। तो आप भी कोई भी एक अच्छा वाला हेयर मास्क अपने पास ज़रूर मैं रखिए। देखिए देखिए बॉडी और स्किन के लिए क्या क्या प्रोडक्ट लेने हैं, लेकिन हमें इंटीमेट एरिया को भी हमेशा क्लीन और ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए भी आपको कुछ प्रोडक्ट्स लेने ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने ये क्लीन एंड ड्राई का इंटीमेट वॉश लिया है, आप कोई भी लेके जा सकते हैं। वी वॉश भी बहुत अच्छा है, उसमें भी इससे छोटी बॉटल मिलती है वी वॉश में, वो भी काफ़ी अच्छे मुझे नहीं मिली थी इसीलिए मैंने ये क्लीन एंड ड्राई का लिया था। तो एक इंटीमेट वॉश आप ज़रूर रखिए, और आप ब्राइड टू भी है तो इसीलिए आपको तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए आप एक कोई भी इंटीमेट वॉश लेके जाइए। और साथ ही साथ हम फेस को जिस तरह से ड्राई रखते हैं, हमेशा खुशबूदार रखने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से आप डेली इंटीमेट पाउडर लेके जा सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा काम आता है। इंटीमेट एरिया क्लीन करने के लिए या फिर उसको खुशबूदार बनाने के लिए पाउडर लगाना ये सब ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल है तो आप स्टार्टिंग में इसे यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए मैं स्किन केयर किट में इसको ऐड किया है। तो आप आपके हिसाब से देख लीजिए कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं। नेक्स्ट, हमारे इंटीमेट एरिया कोई भी इन्फेक्शन ना हो इसीलिए हमें उसका खास ध्यान रखना होता है। तो आप एक पी सेफ स्प्रे भी लेके जाए, शादी के बाद हम बहुत ज़्यादा जगह घूमते हैं, हम कभी कहीं भी पब्लिक प्लेस जाते हैं, किसी के घर जाते हैं और टॉयलेट बहुत लोगों ने यूज़ किया होता है, तो आप उससे पहले आप इसे स्प्रे करिए और यूज़ करिए, इससे आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये आप एक स्प्रे लेके जाइए, क्योंकि शादी के टाइम बहुत ज़्यादा लोग घर में होते हैं, तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब सब स्किन केयर के प्रोडक्ट हो गए, अब हमारी बॉडी को भी खुशबूदार रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर समर की शादी है तो आप इस तरह से कोई भी एक डस्टिंग पाउडर ज़रूर रखिए। ये समर के लिए तो डर्मिकूल का पाउडर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे टाइट कपड़ों की वजह से जो भी रैशेस होती है, तो ये आप इस पाउडर को लगाएंगे तो इससे आपको ठंडा ठंडा भी लगेगा और इससे रैश भी नहीं आएगी। तो अगर बहुत ज़्यादा स्वेट होता है तो ये भी आपको थोड़ा सा कम होगा। कोई भी आप अच्छा वाला डिओड्रेंट यूज़ करते हैं तो वो लेके जाए, मैं रोल ऑन प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने निविया का वाइटनिंग स्मूथ स्किन वाला रोल ऑन लिया है, ये बहुत अच्छा है और आपको दिन भर खुशबूदार और स्वेट फ्री रखता है, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। मैंने जैसे कि कहा आपको डिओ पसंद है तो डिओ, परफ्यूम पसंद है तो परफ्यूम, ये मैंने गोल्ड का परफ्यूम लिया है, ये काफ़ी अच्छा है, छोटा पैकेज है तो आप इसे भी लेके जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने मेरे स्किन केयर किट को 3 पाउचेस में डिवाइड किया है, मैंने मीडियम वाला पाउच जो टॉयलेटरी किट था वो दिखाया, बड़ा वाला जो था वो भी दिखाया, अब ये छोटे वाले की बारी है, तो इसमें क्या है वो देखते हैं। जो भी शार्प चीज़ें हैं वो लेके जानी है तो आप इस तरह से अलग वाला पाउच करिए और उसमें रखिए। तो ये इसमें मैंने रखा है एक रेज़र, अगर आप रेज़र यूज़ करते हैं तो रेज़र लेके जाए, एपिलेटर यूज़ करते हैं तो एपिलेटर यूज़ करिए। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। एपिलेटर भी बहुत ईजी टू यूज़ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें है सीज़र, आपको पता है सीज़र तो बहुत काम की चीज़ है, कभी कभी आईब्रोज भी यहाँ से बढ़ गए तो कट करने के लिए काम आती है, तो एक रेज़र भी आप साथ में रख सकते हैं। उसके बाद ये इसके एक्स्ट्रा जो ब्लेड है ये पैकेट भी आप लेके जाए इमरजेंसी के। नेक्स्ट है इसमें नेल कटर, तो आपका खुद का एक नेल कटर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसको भी इस किट में रखा है। दैट्स इट, तो इस पाउच में इतनी चीज़ें थी, तो आपके हिसाब से आपके पास जो भी शार्प चीज़ें हैं तो आप उस तरह से अलग पाउच में रख सकते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा ब्राइडल स्किन केयर किट जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इसमें सारी यूज़फुल चीज़ें हैं जो एक नई दुल्हन को चाहिए होती है, उसे लेके जानी ज़रूरी भी है, तो इसीलिए सब दिखाया मैंने। और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है,
मैंने सब कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है मेकअप किट पे, तो वो ज़रूर देखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो करिए, और मेरा नेक्स्ट ब्राइडल मेकअप किट वाला वीडियो आपके पास जल्दी पहुँच जाएगा, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और देखते रहिए हैशटैग रॉयल शादी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।